नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेमनाथ चाचा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आज आपका बर्थडे भी है और हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपका माइंड में ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि इतने अच्छे दिनों पे इतने सारे गरीब लोगों के दरमियान कंबल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? इस वक्त जो हम कंबल प्रत्येक 8 जनवरी को हम बांटते हैं, हर एक साल बांटते हैं, इस साल भी मेरा जन्मदिन था, लेकिन हम शुरू से ही पार्टी का जो जन्मदिन है 1 तारीख, ममता दीदी का 5 तारीख और इसके साथ मेरा भी 8 तारीख, तीनों के एक साथ मिल के ही हम ये उत्सव मनाते हैं और उसमें पूरा गरीब परिवार, अपना वार्ड का पूरा गरीब परिवार को कम से कम एक कंबल हर घर में पहुंचाते हैं। मेयर साहब ने अपने स्पीच में कहा कि अब आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, आपने जो लोगों के दरमियान जो काम किया है कैसा लग रहा है, लोगों का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा? वो तो लोग ही बताएंगे, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर काम करने वाला हारेगा तो फिर जीतेगा कौन? इसलिए हम तो जानते हैं कि जो भी सेवा का भावना से काउंसलरी में रहेगा उसको हार नहीं मिलेगा, लूट कसोट करने वाले होशियार हो जाए। आज जो आपने ये कार्यक्रम किया, इतने बड़े कार्यक्रम, आपको रिस्पांस कैसे मिला लोगों को? रिस्पांस खूब बढ़िया है। मेरा नाम राधा सिंह है, मैं 68 नंबर वार्ड के काउंसिलर हूँ। आज जो प्रोग्राम में आप आए, कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? आज जो मैं प्रोग्राम में आई हूँ वो प्रोग्राम इतना ही अच्छा हुआ ना कि मैं क्या मैं बोल सकती हूँ। प्रेम अंकल है ना, वो जो अपने वार्ड के लिए आज जो कर रहे हैं गरीबों के लिए, वो शायद ही कोई करता होगा। आज का प्रोग्राम उन्होंने क्या किया? आज वो उन्होंने गरीबों को कम्बल बांटे और अगले 19 तारीख को एक कैंप लगा रहे, आई कैंप, जिसमें अगर जरूरत ऑपरेशन, किसी को अगर ऑपरेशन का जरूरत हो तो वो फ्री में ऑपरेशन भी होगा, और अगर सीनियर सिटीजन लोग हैं जिनका चश्मा, वो भी एक फ्री में मतलब देंगे, तो ये शायद कोई काउंसिलर कर सकते हैं। आज उनका जन्मदिन था क्या? जी, आज उनका जन्मदिन था। उसी का मौका पर एक कार्यक्रम जी, आज उनके जन्मदिन के अवसर पे ही ये सब काम किए हैं। ये जो है हेल्प कर रहे हैं, ये किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये हेल्प कर रहे हैं सब लोगों को, पूरे वार्ड के दो कंबल आप भी अपने हाथों से दें। ये अच्छा लग रहा है कि प्रेमनाथ साहू जी जो आपके काउंसलर हैं, वो अपने जन्मदिन के अवसर पर केवल अपने घर के लोगों के साथ जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, अपने वार्ड की पूरी जनता के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हर माँ बहनों को कंबल प्रदान करके अपना जन्मदिन अनोखे ढंग से मना रहे हैं। इस साल अपने जन्मदिन पर काउंसलर के रूप में उन्होंने आप लोगों को एक एक कंबल दिया है या देंगे। अगला साल फिर चाहेंगे ना कंबल? इस साल मिल जाए, अगला साल चाहेंगे ना? चाहिए। अगला साल फिर कंबल चाहेंगे ना? जोर से बोलिए। तो अगला साल फिर केकरा से चाहिए थी? जी अब गिर देता हुए थी वो फिर, तो फिर चाहिए तो अब 6 महीना बाद फिर वोट हुई, अब वोट में जीती है तो फिर अगला साल दे सके। तो अब गिर एक बार वो कंबल उनका जन्मदिन के अवसर पर हम बोल के जाते हैं कि भाई वोट में जीती हो तो अगला साल कंबल से काम ना चली, कंबल के संग एक वो लेडीज साल। घबरा मत, तब तक भगवान तेरे को इतना रुपया दे दिए कि तू आराम से दे दे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छे ढंग से आपके वार्ड के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ आपका प्यार जो वार्ड के लोगों के प्रति है वो भी बना रहे, वार्ड के लोगों का जो प्यार इनके प्रति है वो भी बना रहे, जिससे कि ये आपके सैनिक के रूप में कॉर्पोरेशन में
और परसों तक बहुत दिन तक अभी काम करें। बहुत बहुत बधाई, इनको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और भगवान को सुख शांति। धन्यवाद।